गैस सिलेंडर संघ कांग्रेस ने निकाला जुलूस। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू से लेकर कॉमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ बृहस्पतिवार को कांग्रेस जनों ने जिला उपाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह और मुन्ना राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला। हाथ में सिलेंडर के साथ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। जिला उपाध्यक्ष मुन्ना राय ने कहा कि दोनों सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते महंगाई बढ़ रही है। आज जिस तरह से होली के त्यौहार के पहले सरकार ने घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए व कॉमर्शियल गैस के दामों में 350 रुपए की वृद्धि की है, इससे लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ने के साथ महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी कनेक्शन रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में 350 रुपए का मिलने वाला सिलेंडर आज भाजपा की सरकार में 1200 रुपए का मिल रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि से महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कांग्रेस की राजस्थान सरकार की तरह घरेलू गैस के दाम 500 रुपए करे। इस दौरान तेज बहादुर यादव, पूर्णमासी प्रजापति, शीला भारती, रविकांत त्रिपाठी, जावेद मंदे, मुन्नू मौर्या, मोहम्मद अमीर, नजम शमीम आदि लोग उपस्थित थे।